स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शामी कबाब। आइए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। सबसे पहले हम चिकन को कुछ चीजों के साथ में प्रेशर कुक कर लेंगे। इसके लिए हमने चिकन लिया है 750 ग्राम। अब हम इसमें चना दाल ऐड करेंगे 120 ग्राम। इसे हमने 4-5 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। क्रश किया हुआ 1 चम्मच धनिया, जीरा 1 चम्मच, गरम मसाला 1 और आधा छोटा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, 2 हरी मिर्च, 8 से 10 सूखी लाल मिर्च, 1 मीडियम साइज की प्याज रफली चॉप की हुई, 2 तेज पत्ता, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और 100 ml के करीब पानी इसमें ऐड करके हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 2 से 3 सीटी देकर उसे ठंडा होने के बाद खोल लेंगे। ढक्कन खोलने के बाद अगर आपको पानी ज्यादा लग रहा है तो एक्स्ट्रा पानी फ्लेम को हाई करके सुखा लीजिए और बोल में ट्रांसफर करके तेज पत्ता निकाल देंगे। अब इस चिकन के मिक्सचर को ठंडा करके हम मिक्सर में पीस लेंगे। और इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छा क्रंच देंगी। 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते और 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काटकर इसमें ऐड करेंगे। और 2 चम्मच तेल इसमें ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और हाथों पर हल्का सा तेल लगाकर हम कबाब की पैटी बनाते जाएंगे। एक बर्तन में खाने का तेल गरम होने के लिए रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। तेल गरम हो जाने पर कबाब को फेटे हुए अंडों में डिप करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारे चिकन शामी कबाब सर्विंग के लिए तैयार है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे।